मैंने सिर्फ 12,000 का माउस मांगा था तेरे से, तेरे को पता ना तूने 2,00,000 का कुछ बनाया। तो हेलो मोर गैंग, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग सबसे मजेदार चैलेंज लेकर आए हैं कि आज जो भी दीदी ड्रॉ करेगी वो मुझे बाय करना पड़ेगा, और जो मैं ड्रॉ करूंगा वो दीदी को बाय करना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत मजेदार है, क्या बात है। सच में जो भी मैं ड्रॉ करूंगी तो मेरे को ला के देगा। क्या करे, लेकिन जो मैं ड्रॉ करूंगा वो भी तुझे लाके देना पड़ेगा, यही तो सबसे खास बात है मेरे लिए। ठीक है तो सुनो ना, तुम थोड़ा इजी इजी ड्रॉ करना जो मैं ला दूं, ठीक है। नहीं नहीं, तुम बड़ी बहन हो ना, तो तुम्हें थोड़े से अच्छे अच्छे आइटम, महंगे महंगे आइटम मुझे ला के देने होंगे, समझे। ठीक है देखेंगे, तुम्हारे लिए भी मेरे पास बहुत स्पेशल स्पेशल है। ओके चलो, बहुत मजा आएगा। ठीक है ठीक है, तो फिर तुम पहले बनाओगे मैं पहले बनाऊं? हाँ डेफिनेटली मैं बनाने वाली हूँ सबसे पहले। ठीक है बनाओ बनाओ, चलो चलो लेट्स गो। ओके तो मैं बनाना स्टार्ट करते आइए। सबसे पहले मैं सोचा तेरे लिए एकदम इजी सा बनाऊं, एकदम इजी सा बनाओ। देखूंगी मैं तू ला के देता है कि नहीं। ओके ओ अच्छा, ठीक है इजी है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केसरिया तेरा स्कैपिया में क्या बना रही हो तुम, केसरिया रंग से? व्हाट इज दिस? अबे तो मैं पता चलेगा, वैसे भी तुमको गैस करना है, ठीक है ना? तो गैस करो गाइस, ऑरेंज रंग का क्या होता है जो इजी भी हो थोड़ा सस्ता भी हो, जो मेरे को टेस्ट करने के लिए कर रही है कि क्या लग रहा है। ऑरेंज कलर का क्या होता भाई, मेरे को तो नहीं पता, अभी देखो पता चलेगा ना। कोई आइसक्रीम तो आती नहीं ऑरेंज कलर की, और ऐसा आइसक्रीम का शेप तो मैंने नहीं देखा आज तक। ये आइसक्रीम है भी नहीं, ठीक है। अच्छा चलो एक चीज तो पता चल गया। ओके इसको यहाँ से काम करती हूँ मैं, तोड़ देती हूँ। क्या है यार इतना टेढ़ा मेढ़ा, मतलब क्या है ये? टेढ़ा मेढ़ा वो होता है, मतलब हो जाता है वो हवा के कारण, टेढ़ा मेढ़ा सब हो जाता है वो है? हवा के कारण टेढ़ा मेढ़ा, एक मिनट मेरे को कुछ कुछ अजीब सा लग रहा है। हवा के कारण का क्या मतलब हुआ? नहीं इतना दिमाग मत लगाओ, तुमको समझ नहीं आएगा। पिगी तेरे को समझ में आ रहा है क्या? देख ना क्या बना रही है, मेरे अंदर घुस गया मेरा पिगी। तेरे लिए थोड़ा इजी कर देती हूँ, ठीक है? अच्छा तो ये जैसे यहाँ से फटा। क्या, एक मिनट, हवा फटा, रुको रुको, मेरे को क्यों लग रहा है कि ये कोई पैकेट टाइप है कुछ? पैकेट ना ना, पैकेट कुछ नहीं है। अच्छा तो तुम्हारे लिए इजी करने के लिए मैं और भी कुछ बना देती हूँ, जैसे इसके अंदर कभी कभी डिजाइन भी होता है ऐसा, जो निकल रहा है ना सामान उसमें से ऐसे डिजाइन निकल रहा है। ये किस टाइप का डिजाइन है जो ऊपर से ऐसे निकल रहा है, मेरे को तो कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसा कौन सा पैकेट है जिसमें से ऐसे निकलता है, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है भाई। आएगा सब समझ में आएगा। मैं समझ गया, ये मेरे को मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंच फ्राइज जैसा क्यों लग रहा है। देखो मैं तुम लोगों को यहाँ पे स्टिकर दिखाता हूँ स्क्रीन पे, ऐसा सही लग रहा है ना ये? पर है नहीं, वो लग तो रहा होगा पर है नहीं, उससे मिलता जुलता कुछ है ये। मिलता जुलता भाई, मेरे को हिंट चाहिए, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं बता रही हूँ ना, हिंट दे रही हूँ ना, रुको तो सही। लेकिन मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि ये खाने के सामान है, पैकेट में आता है, इसके अंदर हवा होता है। तो फिर यार अब ये क्या ही हो सकता है इन सब में से, क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ ये वो तो लग नहीं रहा है मेरे को कहीं से भी। देखते हैं। रुको, समझ में आएगा आएगा, ऐसे कैसे यार समझ में आएगा, देखो मैं बताती हूँ। अच्छा ये व्हाइट वाला को तू पढ़ तो समझ में आ जाएगा शायद। ओके ये तो के जैसा लग रहा है। हाँ ऑरेंज कलर का के, और ये क्या लिखा है? ये अगर तुमने ये यू लिखा है तब तो मैं समझ गया हूँ कि ऑरेंज कलर के पैकेट में ऊपर में टेढ़ी मेढ़ी चीजें निकल रही है, तो टेढ़ा है पर मेरा है, ये मैं समझ गया हूँ। ये क्या है? क्या है ये? है कुरकुरे, है ना? कुरकुरे लाओ फटाफट, जाओ 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 मेरे जाओ। कुरकुरे अच्छे तुम, कुरकुरे ठीक है ठीक है, चलो इजी है अभी ले आते हैं, दो ही मिनट में कोई दिक्कत नहीं है। ओके जाओ जाओ। और ये देखो मैं दीदी के लिए कुरकुरे ले आया, मैंने दो पैकेट आ रही अंकल चिप्स के लाए, ब्लू कलर का, यार मुझे कुछ तो चाहिए ना खुद के लिए, आई लव ब्लू। तो चलो ये रहा दीदी का रूम, ओए दी ये ले। तो 10 रुपए का मिला, फिर तो ऐसे बोलती, इसलिए मैं ऐसे ले आया। और ये अंकल चिप्स क्योंकि ये मेरे लिए हैं, आई लव ब्लू कलर। क्या कर रही हो तुम, ये क्या आवाज आ रहा है मेरे को? काल दे दो एकदम बेशरम लड़की, अभी रुको
तुम चेप रही हो अभी, मैं कुछ अच्छा सा बनाऊंगा जिसे मैं खाऊंगा बहुत ही मजेदार तरीके से, ठीक है? तुम्हारा ठूस रही है, ठीक है ठीक है, अभी मैं बनाऊंगा, रुको रुको रुको, ठीक है? तो मैं बना रहा हूँ जो मुझे अभी बहुत ज्यादा हो रहा है खाने का मन। व्हाइट कलर का? नहीं, व्हाइट कलर का नहीं है, ये बाउंड्री है, मतलब ताकि तुम्हें थोड़ा ढंग से समझ में आए। तो okay. इसकी थोड़ी पतली कमरिया होती है, यू नो, पतली कमरिया, होय होय होय, पतली कमरिया जैसी इसकी शेप होती है। तो ये व्हाइट कलर का चॉकलेट तो नहीं है कहीं पे? नहीं नहीं, इसका व्हाइट से कुछ ही लेना देना नहीं है, मैंने जानबूझ के व्हाइट दिया ताकि तुम्हें समझ में आए, एक्चुअली में होता तो ये ब्लैक है। ओके, तो ये अंदर से ब्लैक तो नजर आ रहा है मुझे, पता नहीं क्या बनाया है ये। ये गाइस तुम लोग समझ पाओगे क्या? दीदी से पहले मुझे देखना है, अगर हमारी मोर गैंग को समझ में आ जाता फटाफट से लाइक करके बताना अगर तुम्हें समझ में आ गया तो। ऐसे, और इसमें मेन तो होता है ये ब्लू कलर का, यू नो, इस तरीके से, ये थोड़ा ब्लू कलर का और अंदर में ब्लैक। रुको रुको, ये शेप अच्छा नहीं बना है अभी, इसको ऐसे करके। ब्लैक कलर का क्या होता है यार? अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से, मोर गैंग को तो समझ में आ गया होगा। गाइस तुम लोग गेस कर रहे हो कि नहीं, लाइक दबा रहे हो कि नहीं, सब्सक्राइब दबाओ। और तुम बोल रहे हो ये खाने का सामान है ब्लैक कलर का? खाना वैसे हाँ, पेट में जाने का सामान है। मैंने बहुत बड़ा कलर का कौन सा खाने का सामान होता है, यही मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मेरे को सेम टू सेम शेप यहाँ पे भी बनाना है, ये दोनों तरफ से सेम शेप का होता है, यू नो, इस तरीके से। ये पीने का आइटम है या खाने का आइटम है? पेट में जाने का आइटम है ये, मैं यही हिंट दे सकता हूँ तुम्हें। ये क्या मतलब है, तो बताना चाहिए ना, पीने का या खाने का है? इतना बता दूंगा तो तुम जो ठूसे जा रही, मुझे आवाज आ रहा है अभी भी खाने का तुम्हारा। तो क्या हुआ? क्या हुआ? लाके दे, रो खाओगे ना? ये देखा, एकदम मजे से ठूस रही है, अभी मैं भी पीऊंगा तो रोको। पीऊंगा? मैंने तो नहीं बोला ऐसा कुछ। ये कोई कोल्ड ड्रिंक लग रहा है? कोल्ड ड्रिंक कहाँ से कोल्ड ड्रिंक लग रहा है तुम्हें? ब्लैक कलर का कोल्ड ड्रिंक है यार ये, ऊपर में ब्लू कलर का इसका, ये तो पेप्सी का होता है ना ब्लू कलर का? नहीं नहीं नहीं, थम्स अप होता है। ये तो थम्स अप है, और यार एकदम सही लग रहा है यार, ये तो सही है एकदम, थम्स अप है ना? तुम समझ गई, ओके, लेकिन फिर भी चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और नहीं, लिखना क्या है, थम्स अप में होता है एक थम्स अप भी जो हमारी ऑडियंस लाइक करेगा। यस यस, और ये हो गया है यहाँ पे देखो अंगूठा। नाइस यार, तो चलो फिर तेरे लिए मैं लेके आती हूँ थम्स अप। ओके यार, वैसे तो ये मेरे को लगता है फ्रिज भी पड़ा है, तो लेके आती हूँ, रुको। तो गाइस चलो फिर आयुष के लिए लेके आते हैं थम्स अप। यार कल तो मैं अपने लिए लेके आई थी थम्स अप, अब कोई बात नहीं, आयुष को देना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा फ्रिज। ओके, तो अभी इसमें से निकालते हैं थम्स अप। ये रहा थम्स अप, ये रहा थम्स अप। चलो आयुष को लेके आते हैं। ओके दीदी आ रही है। और ये रहा आयुष का रूम। आयुष ये रहा तुम्हारा थम्स अप, ये लो। ये तो फ्रिज से लेके कल को तुम लेके आई, मुझे बोला भी नहीं तुमने। तो क्या हुआ यार, ये मेरे लिए था, ठीक है ना? एकदम ये सील पैक है, नहीं तो मैं मानूंगा नहीं। ये तो सील पैक ही है। ओ यार, सील पैक है, ठीक है ठीक है। मजा आ गया, हमें मिल गया थम्स अप। अभी देखो बढ़िया बढ़िया, अभी हम देखो तुम्हें ASMR सुनाएंगे पीने का, ये देखो। हाँ हाँ, सुना सुना, मजा आ गया। Nice. तो फिर मैं बनाऊंगी, अब थोड़ा ज्यादा महंगा होगा, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं ही बनाता हूँ दोबारा, मेरे को एक दिमाग में बहुत ही गजब की चीज आई, ये तो छोटी मोटी चीज हो गई, अभी मैं बनाऊंगा, मेरे को एक चीज की जरूरत है। बनाने देना यार। नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे को एक चीज की जरूरत है काफी टाइम से, वो मेरे पास जो है वो ऑलरेडी थोड़ा खराब हो रहा है। गाइस तुम लोग थोड़ा सा समझ गए होगे मैं क्या चीज की बात कर रहा हूँ, अभी मैं बना के दीदी को समझाऊंगा। ठीक है, चल चल चल, तू बना ले, ठीक है? यस, और वो ऐसी चीज होगी ना, तेरी जेब ढीली हो जाएगी। क्या क्या मतलब? ये भी व्हाइट एंड ब्लैक रिलेटेड ही है, ये मैं भी बता देता हूँ। इसके लिए पहले मुझे ना थोड़ा सा एक काम करते हैं, मैं पहले स्क्वायर बना लेता हूँ, फिर उसके अंदर में मैं तुम्हें बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये व्हाइट कैनवस मैंने बना दिया है, अब इस पे मुझे जो बनाना है वो उसका शेप थोड़ा ऐसे करके है। अरे वापस ब्लैक कलर का यार, आज कल ब्लैक कलर से प्यार हो गया तेरे को? तभी तो मैंने पीछे व्हाइट कैनवस बनाया है यहाँ पे। वापस एक
और ब्लैक, ठीक है चलो। यहाँ पर ऐसे करके हो गया। ये क्या बना रहा है, खड्डा ब्लैक होल चाहिए क्या तेरे को? नहीं 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 रुको रुको, इसका थोड़ा सा शेप ना। क्या बना रहा है ये, मेरे को समझ नहीं आ रहा। चूहा चाहिए क्या, चूहा ला दूं मैं तेरे लिए? अरे नहीं नहीं रुको रुको, मतलब क्या कुछ नहीं, रुको रुको तुम समझ जाओगी, एक सेकेंड रुको। ये क्या है? वैसे इसका शेप ऐसा ही है, लेकिन अगर हम लोग माइनक्राफ्ट में बनाते हैं तो ऐसा शेप नहीं दिखता है। ये जो मुझे चाहिए उसकी शेप कुछ इस टाइप से है, यहाँ से और यहाँ से इसका वायर निकलता है ऐसे करके। मेरे को कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है कि ये क्या है, चलो देखता आयुष क्या बना रहा है, चलो बना लो। तुमको समझ में आ रहा है? वैसे हाँ, तो मैंने वायर तो बोल दिया तो काइंड ऑफ समझ में आ ही गया होगा। ये ज्यादा महंगा तो नहीं है आयुष, मेरे को पता है तूने ऐसे बोला तो मेरे को तो डर गई थी यार, कितना ज्यादा महंगा नहीं है। अभी मैं बताऊंगा तो मेरे को कौन सा वाला चाहिए, तो रुको रुको। अच्छा अच्छा, यहाँ पर इसका स्क्रोल व्हील है। ओके क्या नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला ऐसा। वो मेरे को समझ में आ गया है कि अब ये क्या है यार, ये तो नॉर्मल अब सबको समझ में आ गया है कि नहीं मोर गया। तो ये वही चीज है जो तुम लोग समझ रहे हो, ये तो माउस है सस्ता वाला, ठीक है यार। 200 का माउस नहीं है बेटा, मैं बता रहा हूँ ना, ये पता कौन सा माउस है, मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ। इस माउस के ऊपर में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। अच्छा क्या लिखा हुआ है देखते हैं। ये इस तरीके से लिखा हुआ है, समझी? ओ जी लिखा हुआ है। यस, ये लॉजिटेक का जी सीरीज का माउस, और कौन सा? कौन सा? जी प्रो एक्स सुपर लाइट। ओके तो लॉजिटेक का तो थोड़ा तो महंगा होगा। क्या महंगा है, ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा तुम्हें पता नहीं होगा शायद, लॉजिटेक जी प्रो एक्स सुपर लाइट जो है ना, वो 12,000 रुपए का माउस है। ये देख यार, ये तो लूट ही मजा लिया है यार, ठीक है मैं भी ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं, ये बाय करती हूँ मैं तुम्हारे लिए, रुको रुको। तो गाइस आज आयुष का डिलीवरी आने वाला है, लगता है मुझे आयुष का माउस आ ही गया। तो ये पार्सल आ गया, अब चलो आयुष को दे देते हैं, देखते हैं आयुष का रिएक्शन क्या होगा। ओके तो ये रहा आयुष का रूम, और आयुष ये रहा तेरा माउस देख। हाँ तो तुमने बोला था ना, तो चलो अंदर में देखो तो सही कैसा आया है। ओ भाई तो वही वही है यार, ये तो एकदम इसके अंदर में और क्या क्या आया है। ओके एक वायर सायर कागज वागज पेन ड्राइव भी आया। ओह हो, ये इसका कनेक्ट करेगा। ओके अच्छा भाई माउस मिल गया, अभी हाई पिक्सल खेलने में मजा आएगा। Yes. चलो फिर बढ़िया, थैंक यू सो मच। ओके दी अभी तुम्हारी पारी है, बनाओ तुम क्या बनाती हो? अरे बहुत जबरदस्त चीज बनाने वाला, मेरे पास बहुत मस्त आइडिया आया है, मेरे को क्या चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज चाहिए। तो चलो फिर मैं यहाँ पे बनाऊंगी, ठीक है? ओके बनाओ बनाओ, मैं भी देखूंगा क्या बनाती हो, मुझे तो महंगा आइटम मिला है, अभी तुम्हारी बारी रे। मतलब तुम कुछ अफोर्डेबल बनाना, कुछ ऐसा वैसा बनाना मानूंगा नहीं मैं। एकदम अफोर्डेबल बनाऊंगी यार, टेंशन ही मत करो। बट हाँ ये मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो ये तुम, मैं बता रही हूँ मैं बना रही हूँ, तो तुमको बुला के देना ही पड़ेगा, ठीक है? देखो मेकअप वेकअप का सामान के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं पहले बोल देता हूँ। वो तो मैं देखो बता दूंगी ना मेरे को क्या चाहिए, चिंता मत करो, मेकअप वेकअप है भी नहीं वैसे भी। ओके तो जो मैं हूँ वही चाहिए मुझे, ठीक है? तुम क्या हो? हाँ तुम तो मैं क्या हूँ तुम्हें पता चल जाएगा, तुम तो नूब हो, तो नूब क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा नौटंकी नहीं बेटे। मुझे नहीं समझ में आया, तुम हो वो तुम्हें चाहिए क्या चाहिए, तुम्हें लड़की चाहिए, ये क्या होता है?
अभी ये सब पता चल जाएगा, अभी देखना। मुझे कुछ सब समझ पता नहीं चल जाएगा। मोर गैंग, क्या तुम लोगों को समझ में आया दीदी ने क्या बोला? मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। और हाँ, ये हाँ। क्या है, ये दरवाजा जैसा लग रहा है मेरे को तो। हाँ बस दरवाजा ही चाहिए मेरे को। मोर गैंग, तुम लोगों को समझ में आ रही है ऐसा क्या बना रही है जो ये है, मतलब क्या? गाइस इससे बात के लिए फटाफट से लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर दो। अगर तुम लोगों को समझ में आ गया, अगर थोड़ा सा हिंट मिल गया इसको देख के कि ये क्या है। हिंट तो तुम्हें देना पड़ेगा, तब तो सबको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हिंट नहीं, सब समझ में आ जाएगा यार, तू देख। ओके तो ओके, ये बॉक्स का रूप ले रहा है। ओके हाँ, व्हाइट कलर का बॉक्स जहाँ पे, यहाँ पे कांच है और ये तेरे को लाके देना पड़ेगा, तू प्रॉमिस कर मेरे को। ए मत बोल देना, घर बना रही है तू। मैं घर वर नहीं खरीद सकता, मेरी औकात नहीं है कुछ भी। नहीं नहीं, घर नहीं है, नो घर। चलो बढ़िया, मैं तो डर गया था, मैंने सोचा भाई कोई मॉडर्न हाउस बना रही है क्या, बोला मॉडर्न हाउस खरीद के दे मेरे को। नहीं नहीं, ऐसा कहते हैं यार, यहाँ से कोई डिफरेंट कलर दे देती हूँ मैं, तब मजा आएगा देख के कि नहीं। डिफरेंट कलर, इसके अंदर डिफरेंट कलर्स होंगे, डिफरेंट कलर्स होंगे इसमें। इसके अंदर में कलर्स अपने आप आते हैं, मतलब कैसे आते हैं क्या? इसके अंदर में ना कुछ लाइटिंग वाइटिंग होती है, लाइटिंग है। हाँ अबे दिवाली है ये क्या है? ये दिवाली है कि नहीं अभी समझ में आएगा, रुको रुको। okay. इसके अंदर में ऐसे थोड़े ब्लैक ब्लैक कलर के ऐसे तार वार ऐसे चलते हैं। तार? हाँ oh. इस तरीके से, मतलब ऐसे ब्लैक कलर के तार होते हैं इसके अंदर, एक मिनट। अच्छा? एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं यहाँ तक। ओके okay, मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ। ये जो मेरे हाँ? बगल में एक चीज पड़ी है बड़ी सी, गाइस ये देखो, ये जो चीज पड़ी है कहीं ये तो नहीं, क्योंकि हाँ, मेरे जैसा शायद लग रहा हो सकता है तुम्हारे बगल में पड़ी है उसके जैसे ही दिखे। मेरे को कुछ डाउट्स हो रहे हैं, रुको रुको। हाँ। क्योंकि ये वैसा सही दिख रहा है, ये देखो गाइस। और इसके अंदर थोड़े बहुत ऐसे लाइट्स भी होता है, तो वो लाइट्स भी मैं लगा देती हूं। मैं इसके अंदर पंखे भी होते हैं। हाँ परफेक्ट। मैंने सिर्फ 12,000 का माउस मांगा था तेरे से, तेरे को पता ना तूने 2,00,000 का कुछ बनाया। मेरे को ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है, पता नहीं क्यों। एकदम सही पकड़े हो, एकदम सही पकड़े हो। नहीं लेकिन मेरे को नहीं समझ में आया, मेरे को नहीं समझ में आया। तुम बनाओ बनाओ, पूरा बनाओ तो मेरे को समझ में आएगा। नहीं अब तो मेरे को समझ में आ गया ब्रो, पूरा क्या बोला मैं। मेरे को नहीं समझ में आया। आ गया मेरे को, झूठ मत बोला ठीक है, झूठ मत नहीं बोलेगा मैं। चलो एक बार फिर दिल पे पत्थर रख के मैं बोलता हूँ, क्या तुमने ये गेमिंग पीसी का सीपीयू बनाया है? यस यस यस। तुम लैपटॉप में खेलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें गेमिंग पीसी मिलेगा। नहीं मिलेगा तुम्हें। मिलेगा, तुमने बोला था जो बनाओगे वो मिलेगा, तो मिलना ही चाहिए मुझे भी। यस चलो फिर अब जल्दी करो, मुझे दिलाओ। तुमको फिर ये करना नहीं चाहिए था, देखो आई तुम्हारी गलती है, तुमने बोला था जो भी बोलाओगे वो मिलेगा, तो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। यार ये चैलेंज मैंने ही बोला था, लेकिन चलो ठीक है यार, मैं ऑर्डर देता हूँ। वाओ मजा आ गया यार। गाइस यार यहाँ पे गेमिंग पीसी देखो, 3-3 लाख रुपए के है। ये सस्ता वाला दी देखे, 33,000 रुपए में कौन सा पीसी आ रहा है? मेरे को सस्ता नीचे अच्छा चाहिए यार, अच्छा दिलाना है। हाँ व्हाइट कलर का ही मंगाना है वैसे। ओके तो फिर तुम्हारे लिए मैं व्हाइट वाला देख के बाय नाउ कर देता हूँ। और ये गाइस हमारा सीपीयू आ गया, जो हम लोगों ने दीदी के लिए मंगाया था, सच में बहुत ही भारी है, तो इसे पहले मैं अपने रूम में ले जाऊंगा और टेस्ट करूंगा कि अच्छा तो चल रहा है ना। और इसको हम लोगों ने अच्छे से खोल लिया और अंदर में बहुत ही बेहतरीन सा ये देखो व्हाइट कलर का सीपीयू निकल गया है। अब इसके स्पेक्स मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, इसके अंदर है 3060 Ti और i7 का कोई तो प्रोसेसर लगाया है हम लोगों ने, स्क्रीन पे मैं लिख दूंगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और इसके बाद में ये बहुत ही सुंदर, इसमें 6-6 पंखे भी लगे हुए हैं, इसके अंदर एसी जैसी फील आएगी अगर तुम लोग घुस जाते हो तो। और फिर इसको हम लोग अभी लगा के ये देखो, हम लोगों ने अपना फेवरेट ब्लू लाइट जगा दिया है और अब इसका फाइनल लुक देखो यार। और ये अब दीदी के रूम में लग जाएगा और दीदी को उसका गिफ्ट मिल गया, तो महंगा यार। गाइस तुम लोग आज की वीडियो कैसी लगी? मेरे तो पूरा जेब ढीला हो गया, मुझे कभी पता नहीं। बहुत मजा आया यार, मुझे तो बहुत मजा आया, तो इसी बात के लिए फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो गाइस। और जो लास्ट वीडियो तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रही है तो वो तुम लोग जाके देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं उस वीडियो में, बाय बाय।